स्वागत है सभी किसान भाइयों को। आज हम शाहजहाँपुर में मेले में लगे मिठास मेले में जो लोग नहीं पहुंच पाए, इसमें छोटी सी झलक आप लोगों के लिए हम प्रस्तुत करने आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो भीड़ लगी हुई है, ये सभी किसान उन्नतशील बीज लेने के लिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उन्हीं के लिए बीज लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में लाइन में लगे हुए हैं। जहाँ पर आपको बीज लेने के लिए रजिस्ट्रेशन होगा एवं एक खाने के लिए पर्ची भी प्राप्त किया से मिलेगी आपको, जिसके टोकन पर आपको खाना भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में यहाँ पर आकर के आपको पैसे जमा करने होंगे, और यहाँ से पैसे जमा होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, एक टोकन मिलेगा। फिर आपको एक दूसरी जगह जाना होगा जहाँ पर जाकर के आपको बीज की किट उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे किसान भाइयों द्वारा उत्पादित गन्ने की ये प्रमुख प्रजातियां हैं, जैसे 14201 है, 15023 है, 18 है, ये सभी प्रजातियां किसानों के द्वारा उत्पादन की गई हुई हैं, जो एक प्रदर्शनी के रूप में लगाई गई हैं, जिससे बीच में 98014 है, जिसकी लंबाई लगभग 17 से 18 फीट लगाई नज़र आ रही है, वो दिखाई दे रही होगी। ये किस लिए है ये? सीड ट्रीटमेंट का अभी तक का नंबर वन टेक्नोलॉजी है देश में। ये इसमें है क्या क्या? एजोक्सिस्ट्रोबिन, थायपोनाइल मेथाइल, थायनाथ्रोसम। डोज क्या इसकी रहेगी? 500 ml प्रति एकड़ गन्ने में। 500 ml प्रति एकड़ गन्ने की। तो किसान भाइयों आगे चलते हैं। यहाँ पर जो सभी प्रकार के ट्रैक्टर्स की प्रदर्शनी लगी हुई, जैसे आप देख पा रही हैं जॉन डीज का ट्रैक्टर लगा हुआ है। इस स्टॉल में सभी ट्रैक्टर, ये आपका स्वराज है, छोटा ट्रैक्टर और बड़ा ट्रैक्टर, दोनों ट्रैक्टर लगे हुए हैं। इस प्रदर्शनी में सभी प्रकार के ट्रैक्टर को जो है प्रदर्शनी लगाई गई थी। ये जापानी कंपनी का ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर है, ये जापान की टेक्नोलॉजी से ट्रैक्टर है, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है माना जाता है। इसकी हाइड्रोलिक पावर सबसे अधिक होती है। इस ट्रैक्टर, ये भी ट्रैक्टर प्रदर्शनी में आपके लगाया गया। आगे सभी प्रकार के महिंद्रा है, आपका महिंद्रा भी आगे दिखाई दे रहा है। सभी प्रकार के ट्रैक्टरों की प्रदर्शनी इसमें आई हुई थी।
चलिए भाइयों आगे देखते हैं क्या है। ये भाई साहब हमारे जो ये हैं, ये 10 रुपये की पैकेट एक बेच रहे थे, जिसमें सब्जियों के छोटे छोटे पैकेट थे, सब्जियों के बीज थे, आपका मटर है, सॉरी आपका टमाटर है, मिर्च है, पत्ता गोभी है, तुरई है, लौकी है। ये एक छोटा सा पैकेट जो आप देख पा रहे हैं, इसमें सभी प्रकार के बीज थे, ये 20 रुपये का एक पैकेट आपके लिए बेच रहे। ये किसान भाइयों अपने खेत की मिट्टी की जांच कैसे करेंगे, उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई हुई थी, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। ये हमारा 4 कोनों का खेत है और इस खेत में 5 जगह से 4 कोनों से 10 मीटर छोड़ करके बीच में एक जो है चारों पांचों जगह से मिट्टी का वेस वी आकार में मिट्टी ली गई है और उसको मिला लिया गया है। फिर जैसा दूसरा आप देख पा रहे हैं, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है इस पर, और 4 भागों में डिवाइड करने के बाद में इसको सामने के 2 हिस्से हटा दिए गए हैं और ये मिट्टी की प्रदर्शनी लगी हुई थी। आगे देखते हैं किसान भाइयों क्या है, चलिए चलते हैं आगे। ये जो मृदा प्रोफाइल होती है, ये मृदा प्रोफाइल का एक छोटा सा नमूना वहाँ पर जो देखने के लिए था सभी किसान भाइयों के लिए ये लगा हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितने भी गन्ने की प्रजातियाँ हैं, 15023, 8272, 76, इन सभी गन्ना प्रजातियों के गुड़ का स्टॉल लगा हुआ था। किस प्रजात से गन्ने का गुड़ किस प्रकार का मीठा होता है, किस रंग का होता है, ये सभी स्टॉल आप इसमें पाए हुए थे। आगे चलते देखते हैं क्या है। ये गन्ने की जो है बगास है, ये गन्ने की और ये खोई है, और आगे देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं आगे। किसान भाइयों हमें लगता है ये चीनी मिल के सभी उपकरण जो है मेजरिंग टैप वगैरह है, चीनी नापने की पड़ता नापने के लिए सब मेजरिंग टैप और सिलेंडर ये सभी इसमें स्टॉल में लगे हुए हैं। देखते हैं क्या है किसान भाई, ये गन्ने को रेड रॉड से कैसे बचाएं, इस पर एक छोटी सी झलक आपको दिखाई गई है। ये नंबर 1 पे संक्रमित पौधे को छांटिए, फिर उसके बाद में संक्रमित पौधे को जो है फसल अवशेष को साफ सफाई करिए, लाल सरणों पर बंधन है, फिर 1 साल के लिए आप उसको जुताई करके छोड़ दीजिए, फिर आगे चल करके उन्नतशील बीज का बुआई कीजिए। ये आप देख पा रहे होंगे जैसा कि वीडियो में फसल चक्र के साथ में ट्राइकोडर्मा 10 किलोग्राम का प्रयोग करें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये है। और आगे रोगरोधी गन्ना किस्म की बुआई करें जिससे फसल चक्र अपनाने के रोगरोधी गन्ना बुआई के बाद में ये सिंचाई के साथ में कार्बाजाडिन थायोमिथाइल मिथाइल 0.2% ड्रेचिंग करनी चाहिए। फिर ये आपको पेड़ी फसल कैसी होगी, फिर अगर गन्ने के खेत में आपका रेड रॉट लग गया है तो हेजक स्टॉप से स्प्रे करके और गन्ने के जो रेड रॉट लगा हुआ पौधा है उसको निकाल करके ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पे डाल देना चाहिए। ये एक छोटी सी रेड रॉट से
बचाने के लिए एक छोटी सी झलक आपको वहां पर प्रदर्शनी में लगाई हुई थी। ये बीज शोधन के लिए दिखाया हुआ है, जो आप ये टब जालीदार टब दिखाई दे रहे होंगे, इसको जो है इसमें छोटे छोटे गन्ने के टुकड़े सिंगल बड या बड चिप को डाल करके और ये ऑटोमेटिक जो ये जो लाइट मशीन है इसमें रख करके लगभग 10 से 15 मिनट रख कर इसमें जो है इसका जो है बीज को उपचार किया गया है। यहाँ पर किसान भाइयों, हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो उसकी क्या मात्रा मिट्टी की होनी चाहिए, किस मात्रा में आपका जो रेत होना चाहिए, किस मात्रा में आपका खाद होनी चाहिए, ये मिश्रण एक दिखाया गया था, छोटा सा एक नमूना ये भी यहाँ पे पेश किया गया था, और फसल की बुआई कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार से अधिक उत्पादन फसल में जमा होगा, ये छोटा सा नमूना यहाँ पर दिखाया जा रहा है। किसान भाइयों क्या है, यहाँ पर शोध केंद्र द्वारा गन्ने की उत्पादित उन्नतशील प्रजातियों की एक छोटी सी झलक लगी हुई थी, जिसमें शोध केंद्र द्वारा, शाहजहांपुर द्वारा, अन्य संस्थानों द्वारा जो भी उन्नतशील गन्ना प्रजाति निकाली गई है उसकी सभी 4 से 5 गन्ने लगे हुए थे, जिसमें आकर्षण का केंद्र जो है अपना 13235 और 14201 और 8276 एक गन्ना जिसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा था। यहाँ पर सभी किसान भाई इन सब 3 गन्ने को ज़्यादा देख करके डिमांड मांग कर रहे थे। आगे देखते हैं किसान भाइयों, आगे गन्ने की बुआई की विधियाँ किस प्रकार से, गन्ने की बुआई की विधियाँ जो होती हैं, ये आपका ट्रेंच और खाली है और ये आपका फिर ट्रेंच और खाली है, जिसमें आप लंबी लाइन में आप गन्ना बोए, इसमें सिंगल बड, इसमें जो है खड़ा गन्ना डाल करके पारंपरिक तरीके से जो डबल लाइन, फिर ये ट्रेंच और फसली लहसुन इसमें बुआई की गई है, किस प्रकार से बुआई की जाए आप देख सकते हैं, डबल लाइन दोनों पे बीच में 4.25 फुट की दूरी है और साथ में 1.5 फीट में जो है आप 2 लाइनें की गन्ने की बुआई कर सकते हैं, ये एक छोटा सा मॉडल वहाँ पे भी प्रस्तुत किया गया है।
यहाँ पर किसान भाइयों जो हमारे गन्ने की पत्ती होती हैं उसको क्या करें, अगर आप पारंपरिक तरीके से बुआई कर रहे हैं गन्ने की है तो उसको आप ट्रेस मल्चिंग कर सकते हैं, अगर आपने नहीं की है तो इसमें जो है ट्रंच विधि से की है तो उन नालियों में पत्तियाँ डाल करके आप उसको मल्चिंग कर दीजिए, या मल्चिंग करने के बाद में यूरिया डाल करके उसको सड़ा दीजिए, सड़ जाएगी। इसकी छोटी सी झलक एक ये इसमें दिखाई दी गई है, जो लोग नहीं गए थे उनको हम अपने वीडियो के माध्यम से सभी जानकारियां देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसान भाई आगे चल के देखते हैं क्या है, यहाँ तो बहुत भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर क्या है, हाथों से चलने वाले यंत्र, ये सभी प्रकार के हाथों से चलने वाले यंत्रों की प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें छोटा ट्रैक्टर है, छोटा रोटावेटर है जिससे आप हाथों से चलाने उसके जुताई कर सकते हैं। रोटावेटर जो यहाँ पर ये वाला जो पीला वाला दिखाई दे रहा है हाथों से चलित, इसका ये आकर्षण का केंद्र रहा था, और स्प्रे मशीन भी सभी यहाँ पर जो है लगी हुई थी। हमारा ये पंडाल तो ख़त्म हो गया, अब देखते हैं अगले पंडाल में क्या लगा हुआ है, तो चलते हैं आगे वाले में। ये क्या, यहाँ तो गाड़ियों की भी प्रदर्शनी लगी हुई है, सभी बैलैनों की, नक्शा मारुति सुजुकी, सभी प्रकार की गाड़ियों की भी वहाँ पे प्रदर्शनी आपको नज़र आई कि अब दिखाई गई थी। टाटा नेक्सॉन, टाटा मारुति सुजुकी, सभी प्रकार की गाड़ियों की भी प्रदर्शनी वहाँ पर लगी हुई है, और ये आपकी जापानी बीमा कंपनी की स्टॉल है। आगे चल के देखते हैं क्या है, किसान गोष्ठी है आपकी। यहाँ पर अचार की प्रदर्शनी आए, और गन्ने से गुड़ के बनाए गए गुड़ के